हमें इमरजेंसी में फ़ोन आया है तो हमें कहीं निकलना पड़ रहा है। अभी बज रहे हैं दिन के 12, लेकिन हमें फ़ोन अर्जेंट है तो हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो ये मैं अपनी ज़मीन से अभी होके निकल रही हूँ। मेरे गांव की लाइफ ना बहुत मज़े की होती है, बस हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। तो आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दिया करें। तो उससे भी मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं और ज़्यादा अच्छा व्लॉग बनाऊं। तो ये रास्ते में आया हमें दरिया, तो इस दरिया को पार करने का हमें कोई चांस नहीं लग रहा है क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा है। बीच में सिर्फ पानी के बीच में से तो हम होके जा नहीं सकते। अभी वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे तो वो हमें बता रहा है कि इस तरह से आप यहाँ से क्रॉस करो, कि मम्मा को दिखा रहा है कि यहाँ यहाँ पे पाँव रखो और निकलो आगे। मैंने सोचा पहले मम्मा जाते हैं, अगर ये जा पाए तो फिर मैं जाऊँगी क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत सामान भी है। तो पहले मैंने मम्मा को भेजा है, अब देखते हैं कि मम्मा पार कर पाते हैं या नहीं। तो ये मेरा पहला व्लॉग है मम्मा के साथ कहीं पे जाने का, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। इस दरिया को हमने फर्स्ट टाइम यहाँ से पार किया है। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा जो हैं वो आधा सफ़र कर चुके हैं कंप्लीट, अब थोड़ा सा बचा है। तो मम्मा गिरते गिरते भी वैसे यहाँ पे बचे हैं, मतलब ऐसा हुआ था कि गिरने लगे थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा ने क्रॉस कर लिया है। अब मैं जाऊँगी यहाँ से, लेकिन आते टाइम हम क्रॉस नहीं कर पाए। मैं तो आ गई थी फिर भी, लेकिन मम्मा को पानी के बीच में से होके आना पड़ा और पानी बड़ा ही ठंडा था और मौसम भी काफ़ी ठंडा है आज का। तो ये हमें मिल गया था बंदर, तो ये देखिए किस तरह से भाग रहा है। जो मैं इसके पास जा रही हूँ ना, ये और ज़्यादा वहाँ से दूर भाग रहा है। भाग गया है ये, मेरे घर आया हुआ था आज। तो यहाँ पे मैं निकली बाहर शाम का।